विदिशा में पिछले कुछ दिनों से खेल स्टेडियम में कोच के रूप में काम कर रहे वन विभाग के कर्मचारी लालता प्रसाद तिवारी पर एक छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। वहीं एक और भोपाल निवासी छात्रा ने भी छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में आवेदन दिया है। बता दें कि इसके पूर्व एक और छात्रा ने कोच के खिलाफ छेड़खानी और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया था। हालांकि इस मामले में लालता प्रसाद का कहना था कि वो उनकी भांजी है। अब दूसरी शिकायत आने के बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर बयान के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। मैं इसलिए आई हूँ कि वो लालता प्रसाद तिवारी है ना, वो गलत सलत बातें करते थे और कहीं भी घुमाने ले जाते थे, सही जगह पर नहीं ले जाते थे, हर कहीं ले जाते थे। झूठ बोल के फैमिली वालों से कहते थे कि हम गेम्स के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन गेम्स के लिए लेके नहीं जाते थे, कहीं और ले के चले जाते थे। और मुझे मधु के साथ रहने नहीं देते थे क्योंकि मैं मधु को मतलब उनके साथ रहने से मना करती थी, तो उन्होंने मुझे स्टेडियम से भी निकाल दिया था। और हर ये कोच हैं स्टेडियम में एथलेटिक्स के, कुछ नहीं बोलते थे, वो बाहर ले जाते थे नाश्ता कराने के लिए, वहाँ पे कार में हर कुछ कहते थे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और डराते थे अगर घर पे बोलोगे तो हम तुम्हारी फैमिली को मरवा देंगे, लाशें गिरवा देंगे। हाँ, एक दिन का खेल रहता था, लेकिन वो दो तीन दिन पहले ही लेके चले जाते थे। तो कहाँ पे रुकते थे? होटल में, कोई सी भी होटल में रुक जाते थे वो। कार्यक्रम जहाँ होता है वहीं होटल होती है क्या? नहीं, वो मतलब कहीं और ले लेते थे, पहले ही ऑर्डर कर देते वो। मुझसे यही पूछा है कि मतलब कैसा क्या है, तो उसके बारे में ही पूछा था मुझसे, तो मैंने बता दिया वही छेड़छाड़ करते हैं, फालतू बातें करते हैं कि है ना मुझसे। तो मैं अभी तो भोपाल जा रही हूँ, तो मैंने मैडम के पास लिखवा दिया जो भी था। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि गलत सलत बोलते थे वो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये आज जानकारी प्राप्त हुई है, तो इसमें एक बालिका, एक लड़की है, वो हमारे पास इस बात की शिकायत लेकर आई थी कि कोच के द्वारा छेड़छाड़ काफ़ी लंबे समय से की जा रही है। चूँकि इन दोनों पक्षों के बीच में, इनके परिवारों के बीच में पूर्व से भी एक विवाद चला आ रहा है, जिस बात पर से इन लोगों के बीच में कोतवाली थाने में भी 12 तारीख को रिपोर्टें दर्ज हुई हैं। इस आवेदन पत्र को भी उसी परिप्रेक्ष्य में हम लेकर जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद जैसे ही उसमें तथ्य आएंगे, साक्ष्य आएंगे, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। चूँकि स्टेडियम का घटनाक्रम भी बता रहे हैं, तो संबंधित थाना जो कोतवाली लगता है वहाँ भी हम इस आवेदन पत्र की जाँच के लिए, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए आवेदन पत्र को प्रेषित करेंगे। वर्तमान में अभी हमने आवेदन पत्र ले लिया है, महिला अधिकारी उनसे पूछताछ करके उनके बयान दर्ज कर रही हैं। देखिए, एक जो फरियादियाँ हैं उनके साथ एक अन्य बालिका आई थी, परंतु जब चूंकि वो नाबालिग थी तो उनके माँ बाप को सूचित करने की बात कही गई, तो वो वापस हो गई थी। उनका ये कहना था कि हम इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करना चाहते। विदिशा से सोनू नामदेव की ये रिपोर्ट।